नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर चंदन व्लॉग में और मैं हूँ चंदन शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे खेत से ये घेवड़ा निकला हुआ है जिसको हम लोग शायद जेंस फिंगर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो काफ़ी सारे जो है घेवड़े रखे हुए हैं और यहाँ एक कैरेट है सब्जी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसमें तोड़ करके आया हुआ है। इसको मैं खाली करूंगा और यहाँ पर जो है छटाई होगी, जो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं उनको निकाल लिया जाएगा और जो थोड़े कुचले हुए हैं या जिनमें थोड़ा दाग लगा हुआ है, तो इस तरह के जितने भी सब्जी हैं जिसका हम मतलब जो मार्केट में नहीं चलेंगे, व्यापारी नहीं लेंगे, तो उसको जो है छांट करके उसके बाद जो भी बचता है इस कैरेट में हम लोग उसको सजाएंगे और उसके बाद ये जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह का जो है मेरा इतना निकला हुआ है। यहाँ पर मैं छांटने का प्रोसेस जो है जारी कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का है। अब यहाँ पे जैसे ये पतले हैं लेकिन इनमें देखिए थोड़ा सा जो है मोटापा आ गया है, ये थोड़ा कड़क हो गए हैं, तो इनको हम लोग इधर रिजेक्ट कर देंगे। और ये रिजेक्ट वाला माल जो है वो जैसे मैंने बताया आपको कि आप पीछे भी देख सकते हैं छोटे छोटे जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो हमारे साथ मेरे खेतों में आते हैं और मुझे काम में जो है मदद करते हैं मेरे, तो उनको जो हम लोग देते हैं। साथ में कोई दोस्त या है सगे संबंधी या गांव के लोग हैं जिनको सब्जी नहीं है तो वो लोग भी आते हैं और उनको भी हम लोग जो है मदद करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर हमारा दो काम हो जाता है कि हमारा काम भी हो जाता है दूसरे की मदद से और हम भी दूसरे की मदद कर पाते हैं। तो आज जो है और भी बहुत सारे सब्जियां निकलने वाली हैं जो कि तोड़ाई अभी चालू है, तो आगे आएगा जिसमें जैसे आपको भिंडी भी हो सकता है कि आज भिंडी तोड़ा गया हो। तो फिलहाल मेरा काम अभी यहाँ पर यह है कि जितने भी सब्जी आप देख रहे हैं इन सारे सब्जियों को छटाई करके इस कैरेट में काफ़ी बढ़िया से इसको सजा देना ताकि मार्केट ले जाने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है दाग लगा हुआ है, तो इस तरह के जो भी फल हैं जो भी मतलब पैदावार है वो मार्केट में नहीं चलेंगे। तो ये हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, ये खाने के मतलब योग्य है, लेकिन इसे व्यापारी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको भी बेचना होता है। आप भी जैसे मार्केट में जाइएगा तो इस तरह का पैसे देकर के अगर कोई सब्जी खरीदना हो तो आप भी बिल्कुल नहीं खरीद सकते, तो वही समस्या उनके साथ भी होता है। तो हम लोग इसको जो है पहले से ही छांट लेते हैं ताकि हमारा जो निकाल दे बड़ा, अब ये छांट देता नहीं अभी मेरे से सीध है, फिर दोबारा छांटेगा पर ही निकालने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर चंदन ब्लॉग में और मैं हूँ चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं आर चंदन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर चंदन व्लॉग में और मैं हूँ चंदन शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे खेत से ये घेवड़ा निकला हुआ है जिसको हम लोग शायद जेंस फिंगर भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो काफ़ी सारे जो है घेवड़े रखे हुए हैं और यहाँ एक कैरेट है सब्जी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसमें तोड़ करके आया हुआ है। इसको मैं खाली करूंगा और यहाँ पर जो है छटाई होगी, जो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं उनको निकाल लिया जाएगा और जो थोड़े कुचले हुए हैं या जिनमें थोड़ा दाग लगा हुआ है, तो इस तरह के जितने भी सब्जी हैं जिसका हम
मतलब जो मार्केट में नहीं चलेंगे, व्यापारी नहीं लेंगे, तो उसको जो है छांट करके उसके बाद जो भी बचता है इस कैरेट में हम लोग उसको सजाएंगे और उसके बाद ये जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह का जो है मेरा इतना निकला हुआ है। यहाँ पर मैं छांटने का प्रोसेस जो है जारी कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का है। अब यहाँ पे जैसे ये पतले हैं लेकिन इनमें देखिए थोड़ा सा जो है मोटापा आ गया है, ये थोड़ा कड़क हो गए हैं, तो इनको हम लोग इधर रिजेक्ट कर देंगे। और ये रिजेक्ट वाला माल जो है वो जैसे मैंने बताया आपको कि आप पीछे भी देख सकते हैं छोटे छोटे जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो हमारे साथ मेरे खेतों में आते हैं और मुझे काम में जो है मदद करते हैं मेरे, तो उनको जो हम लोग देते हैं। साथ में कोई दोस्त या है सगे संबंधी या गांव के लोग हैं जिनको सब्जी नहीं है तो वो लोग भी आते हैं और उनको भी हम लोग जो है मदद करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर हमारा दो काम हो जाता है कि हमारा काम भी हो जाता है दूसरे की मदद से और हम भी दूसरे की मदद कर पाते हैं। तो आज जो है और भी बहुत सारे सब्जियां निकलने वाली हैं जो कि तोड़ाई अभी चालू है, तो आगे आएगा जिसमें जैसे आपको भिंडी भी हो सकता है कि आज भिंडी तोड़ा गया हो। तो फिलहाल मेरा काम अभी यहाँ पर यह है कि जितने भी सब्जी आप देख रहे हैं इन सारे सब्जियों को छटाई करके इस कैरेट में काफ़ी बढ़िया से इसको सजा देना ताकि मार्केट ले जाने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो चलिए जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो है दाग लगा हुआ है, तो इस तरह के जो भी फल हैं जो भी मतलब पैदावार है वो मार्केट में नहीं चलेंगे। तो ये हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, ये खाने के मतलब योग्य है, लेकिन इसे व्यापारी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको भी बेचना होता है। आप भी जैसे मार्केट में जाइएगा तो इस तरह का पैसे देकर के अगर कोई सब्जी खरीदना हो तो आप भी बिल्कुल नहीं खरीद सकते, तो वही समस्या उनके साथ भी होता है। तो हम लोग इसको जो है पहले से ही छांट लेते हैं ताकि हमारा जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा पैकिंग वाला काम हो रहा है, अभी जारी है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है लगभग 10 केजी के करीब में जो है एक्सपायर माल निकला हुआ है। यहाँ पर भी जो है कम से कम 2-3 केजी का आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी जो है निकला हुआ है और अभी भी आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी गांव की सिस्टर लगेगी, ये सब बच्चियाँ आती हैं थोड़ा थोड़ा खेल खेल के काम करती हैं। और ये जो भी बचा हुआ माल है जिसमें हालांकि इसमें देखिएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कुछ हैं जो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जैसे ये है, ये पूरी तरह से ख़राब है, ये भी जो है पूरा दाग लग गया है, तो ये देखिए ये थोड़ा बूढ़ा हो गया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। और यहाँ पे आप देखिए जैसे ये है, ये ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा जो है टाइट हो गया है तो ये नहीं चलेगा। तो इस तरह का जो भी होगा इसमें से फिर हम लोग छांटेंगे और ये जो है उन लोगों को दे देंगे और बाकी जो रिजेक्ट हो जाता है उसको यहीं पे खेत में ही जो है हम लोग छोड़ देते हैं।